अरविंद केजरीवाल ने वक्त मांगा था, आज अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप देंगे। विधायक दल के नेता आतिशी को चुन लिया गया है और दिल्ली, और इस बीच देखिए लगातार हमलावर भी बीजेपी हो रही है, लेकिन दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कायदा की जा रही है। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। खेलने का उनका प्रारूप है, आम आदमी पार्टी चेहरा बदलकर मेक ओवर करना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो धब्बे उनके दामन पर लगे हैं वो इस मेक ओवर से साफ नहीं होने वाले। और मैं जब कह रहा हूं कि उसी मंत्रिमंडल के उनके साथी, तो आपको इसके थोड़े से इतिहास में जाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ा दावा करा था ना अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे क्योंकि वो इस देश में जमहूरियत बरकरार रखना चाह रहे थे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अरे आप तो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं, ये कहां की रीत। और माननीय आतिशी जी से मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को 1000 साल पीछे कर दिया आपके इस एक बयान ने। आज अगर आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित करा गया है तो केवल पद ग्रहण करेंगी, कुर्सी पर आसीन होंगी, उसकी शोभा बढ़ाएंगी, लेकिन दायित्व ग्रहण नहीं करेंगी, पावर किसी और के हाथ में रखेंगी। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पावर होगी बिना किसी जिम्मेदारी के, ये कहां की थी। लोकतंत्र की हत्या में आप भी शामिल हो रही हैं। एक दशक से यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, दिल्ली की जनता ये जानती है कि सड़क, बिजली, सुवेज, ड्रेनेज, पानी, ऐसी मूल सुविधाएं ये दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एक दशक से इन्होंने सत्ता भोगी है लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ काम नहीं करा। खुद माननीय आतिशी जी जल मंत्री थे, कितने ऐसे एरियाज हैं दिल्ली में जहां पीने के पानी में सूरज का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर मिल रहा है। दिल्ली में क्योंकि नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई, तौर पर कहा जा रहा है कि मेकओवर तो बल्कि अब अगली सरकार जो है वो आतिशी के नेतृत्व में बनने वाली है और इसके लिए दावा भी पेश किया जाएगा क्योंकि आतिशी को आज दोपहर को ही उत्तराधिकारी एक तरह से केजरीवाल ने चुन लिया है, तमाम और भी जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी में फैसला लिया। आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि सिर्फ चेहरे बदलकर यहाँ पर मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सत्ता पर आसीन होगी लेकिन दायित्व जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास ही रहने वाला है। बिल्कुल, और बीजेपी का यही आरोप है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सांसद बांसुरी स्वराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रही है कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलेगा, यानी लगातार वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ बेल मिली है, पूरी तरह से दोष मुक्त उन्हें नहीं किया गया और इसीलिए भी इस तरह का कदम अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाया गया था क्योंकि पता है कि कुछ ही महीने में अब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने कदम उठाया। हालांकि उनके इस कदम के बाद में उनके जो विरोधी हैं वो भी अचरज में हैं क्योंकि इस तरह की कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, इस्तीफे की मांग जरूर कर रहे थे लेकिन जब वो जेल में थे तब कर रहे थे, लेकिन बेल पर जब वो बाहर आ गए तब इस तरह की उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी और चौंका दिया अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कदम उठा करके। हालांकि एक कैलकुलेटेड उठाया गया कदम भी माना जा रहा है और शायद इसमें उन्हें एक बड़ा फायदा भी नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरह से आरोपी आज भी लगातार बने हुए जावेद, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल वीके सक्सेना के घर पर मौजूद है, आतिशी उनके साथ मौजूद है, थोड़ी देर में वो इस्तीफा भी सौंप देंगे, लेकिन जावेद जब आतिशी के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार उन्हें ही माना जा रहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से एक बार फिर से लेना चाहता हूं और 2013 का वो दौर हमें याद करना होगा जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, 49 दिनों की सरकार बनाई थी, तब भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। क्या इस तमाम घटनाक्रम को हम उस दौर के बाद भी जोड़कर दे सकते हैं जब 67 सीटों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आम आदमी पार्टी फिर उसके बाद वापस आई थी?
देखिए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा अब से थोड़ी देर में औपचारिक रूप से हो जाएगा, वो एलजी आवास पर हैं, वो तस्वीर भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। लेकिन अब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में, मतलब फरवरी में चुनाव होने हैं, फरवरी तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जगह जगह आपको दिखाई देंगे। वो फिर से बैक टू बेसिक जो सूत्र बता रहे हैं उसी तरीके से वो ज़मीन पर दिखाई देंगे जिस तरह से 2013 में वो दिखाई दिए थे। वो तस्वीर याद होगी जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे और वो दक्षिणी दिल्ली में एक जब बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे थे तो वो कनेक्शन जोड़ने के लिए पहुँच गए थे। तो ऐसी तस्वीरें आने वाले समय में दिल्ली में दिखाई देंगी। अब वैसी तस्वीर तो नहीं दिखेगी कि वो कोई कनेक्शन जोड़ेंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं वो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो टकराव है वो हम लगातार पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं कोई काम अटका तो सीधा प्रहार करने की भूमिका में वो होंगे, उसके लिए धरने प्रदर्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ अभी आने वाले 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल हरियाणा भी जाएंगे, तो ऐसे में अभी वो जो औपचारिक एक उनके पास पद था मुख्यमंत्री का, अभी वो इस्तीफा उनका हो जाएगा और उसके बाद फिर वो एक राष्ट्र संयोजक की भूमिका जो होती है उसको निभाएंगे, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब का वो चर्चा करेंगे, वहाँ के कामकाज को देखेंगे। दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। इसके अलावा हरियाणा में अभी चुनाव चल रहा है, वहाँ पर किस तरह से कैंपेन होना है, प्रचार को किस तरह से धार देनी है वो होने वाला है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत हलचल उसमें रहने वाली है। ये तो आतिशी के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है ना, ये तो आतिशी के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है वो तो प्रॉक्सी सीएम है, डमी सीएम है। आपके पास मैं आऊंगी जावेद, लेकिन प्रशांत कोई जानकारी आपके पास? प्रशांत तेज हो गई है मोनिका, अब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। एलजी को इस्तीफा सौंप दिया है, सरकार बनाने का दावा अपना पेश कर दिया है और अब एलजी सेक्रेटेरिएट से बाहर निकलते हुए अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथ जोड़े हुए इस वक्त हमारे न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के सामने से अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। साथ ही आतिशी भी मौजूद है उनके, जिस तरह से वो पहुंचे हुए थे, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार बनाने का दावा आतिशी ने पेश कर दिया, यानी उनके नेतृत्व में अब दिल्ली की अगली सरकार। बिल्कुल, तो बड़ी खबर है यही है प्रशांत। एक बार दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, उनके साथ आतिशी भी मौजूद थी। उनकी तरफ से दिल्ली की वो नई मुख्यमंत्री हैं, क्या सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है क्योंकि यही कहा जा रहा था, और उसके बाद क्या घटनाक्रम रहने वाला है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 26 और 27 को जो है सत्र भी बुलाया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से ये कहा ही जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। न्यूज 18 के दर्शकों के लिए इस वक्त ये बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा औपचारिक तौर पर दे दिया है। उपराज्यपाल के घर पर जिस गाड़ी में वो पहुंचे उसी गाड़ी में आतिशी भी मौजूद थी, जो कि अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद दिल्ली की बन जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है, हर कोई इंतजार कर रहा था कि 2 दिन का वक्त जो अरविंद केजरीवाल ने लिया उसके बाद क्या वाकई वो जाकर सौंपेंगे इस्तीफा एलजी को, और अब ये तस्वीरें बता रही है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है, उनके साथ आतिशी मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि वहां पर सरकार बनाने का क्या दावा भी पेश कर दिया गया है। मेरे दो सहयोगी जावेद और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एलजी हाउस के बाहर ही मौजूद है। प्रशांत, इस्तीफा सौंप दिया गया है लेकिन आतिशी मौजूद है, मतलब ये कि सरकार बनाने का दावा भी उसी वक्त पेश कर दिया जाएगा? इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद में मोनिका यहाँ पर आतिशी ने जो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया है, यहाँ ब्रीफिंग करते हुए कि आखिर क्या प्रक्रिया हुई है, आतिशी खुद बता रही हैं कि जिस तरह से इस्तीफा सौंपा गया है, तय टाइम दिया गया था, उसी टाइम से कुछ मिनट पहले ही पहुंच गए थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। देखिए आतिशी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सौरभ भारद्वाज भी वहां पर मौजूद है।
यादव जी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कुल मिलाकर पूरा अमला आम आदमी पार्टी का, सारे बड़े चेहरे इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सेंटर में आतिशी है क्योंकि उन्हीं को मिला है जिम्मा। बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए भरत की भूमिका में आतिशी इस वक्त रहेंगी, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनके ऊपर जो जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन वो राम की तरह करेंगी कि भरत की तरह करेंगी, ये भी सवाल। और विपक्ष बार बार कह रहा है कि यहाँ पर भरत नाम दिया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि वो कठपुतली की तरह काम करने वाली है। बहरहाल इन सारे मसलों पर चर्चा होगी गूंज में, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि अब एक नई सरकार, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार को क्यों ना जो है भंग कर दिया जाए, और इसलिए भंग कर दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बार बार आदेश दिए जा रहे हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि देखिए आप ना तो अपनी फाइलों पर साइन कर सकते हैं मुख्यमंत्री रहते, ना अपने मुख्यमंत्री दफ्तर जा सकते हैं, और ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में काम करने की वो आजादी होगी। और इसीलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी अगला चेहरा होंगी। शपथ कब होगी इसी का इंतजार किया जा रहा है। जावेद, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास सूत्रों के हवाले से? देखिए, कल से जो जानकारी रूबिका आ रही थी वो ये कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का आतिशी दावा करेंगी। जब आतिशी यहाँ से अरविंद केजरीवाल के साथ गाड़ी में निकली थी तो मैंने खुद देखा था कि उनके पास एक चिट्ठी थी, तो संभवतः उन्होंने दावा पेश कर दिया है और ये बात कही भी जा रही थी। और आज विधायक दल की बैठक बुलाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि एक तरफ इस्तीफा दिया जाएगा, दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आधिकारिक रूप से अभी जो कम्युनिकेट एलजी हाउस को करना है वो आना बाकी है, वो तस्वीर भी आना बाकी है जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के समय की होगी। लेकिन हम यहाँ हलचल बढ़ रही है क्योंकि ये न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आतिशी वहां पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि अगर वो कुछ कह रही है तो सुन पाए। एम्बियंस माइक लगाया जा रहा है, इंतजार यही हो रहा है कि आतिशी अब बोलेंगी क्योंकि उप राज्यपाल के पास। अच्छा, मीडिया कर्मी ये भी कह रहे हैं कि अभी मत बोलिएगा क्योंकि अब इंतजार सब यही कर रहे हैं कि आतिशी अगर कहती है तो क्या कहती है। सौरभ भारद्वाज उनके पीछे खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, आतिशी इंतजार कर रही है कि वो जो राज्यपाल से मुलाकात करके आई है या वो आधिकारिक तौर पर ये पन्ने भी सौंप आई है कि सरकार बनाने का दावा हम पेश कर चुके हैं। एक 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले थे तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये हमला किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जरा सी मोरालिटी दिखाएं और अब अपने पद से इस्तीफा उनको सौंप देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता एक मुख्यमंत्री के बगैर परेशान है। आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके उन्हें नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है
उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन दो लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले दो साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए, मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने अरजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आगे का पत्र। आतिशी यहाँ पर यह कहती हुई कि मेरे 2 काम होंगे, पहला काम तो ये कि दिल्ली की जनता के साथ यानी 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना कि अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हो, और दूसरा ये कि जनता की रक्षा करना क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस सरकार को जो है किसी तरह से गिरा दिया जाए। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब यहां से आगे की राह क्या नजर आ रही है, आतिशी को बार बार भरत कहा जा रहा है, आतिशी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया है,
लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर कुछ और। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी आपको दिखाई दे रहे हैं, भी रहे हैं, कोर टीम के मेंबर थे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा है, जो कि इंडिया गठबंधन हो या फिर वो आइडियोलॉजी हो उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और रखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, बधाई हो, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई है आज। देखिए, पहले हमारे पास जेल वाला सीएम था 150 दिन, फिर बेल वाला सीएम रहा, अब प्रॉक्सी सीएम ही सही, जिसकी तुलना वैसे भरत से की जा रही है। भरत से क्यों कर रहे पता नहीं, भरत जी कभी अयोध्या के राजमहल में नहीं रहे, वो कुटीर में रहे, तो क्या ये संदेश है कि आतिशी जी आपको भी शीश महल में नहीं जाना है? ये एक अलग विषय है चिंतन का, परंतु मैं आना चाहता हूँ आज के मुद्दे पर। देखिए, चेहरा बदल गया है, चरित्र बदलने वाला नहीं है। पहले तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये तो मजबूरी में उठाया गया कदम है, क्योंकि सीएम की आत्मा तो अंदर ही रह गई थी, शरीर बाहर आया था। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की कंडीशंस लगाई थी, ऑफिस नहीं जाना, सेक्रेटेरिएट में नहीं जाना, फाइल मत छूना, केस पर मत बोलना, तो आत्मा बाहर अंदर थी, शरीर बाहर आया था, तो अब शरीर के साथ करे क्या? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो मैं एक मनमोहन सिंह दे देता हूँ दिल्ली को। तो आज दिल्ली को नया मनमोहन सिंह मिला है, आज दिल्ली को नया ओपीएस मिला है, इसके लिए दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। परंतु देखे इस ओपीएस न्यूज 18 इंडिया चौपाल एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।